Hey guys, welcome back to a new video. और आज की वीडियो होने वाली है स्टडी इन इटली 2025 इनटेक के बारे में. इटली हैज़ ओपन इट्स एप्लीकेशन पोर्टल फॉर सितंबर एंड अगस्त 2025 इनटेक. इटालियन यूनिवर्सिटीज़ ने अगले साल के लिए एडमिशन देना चालू कर दिया, अपने फर्स्ट कॉल ओपन कर दिया है, तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं. ऑलरेडी हमारी वीडियो पड़ी है, बट ये वीडियो अगले साल के लिए एक फ्रेश वीडियो है जिसमें बहुत कुछ बताऊँगा डिटेल में, तो वीडियो को एंड तक देखना आप. तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ कि आपको इटली में आखिर इन्हों क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है. उसके पहले मैं आपको छोटा सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. मेरा नाम नितिल कुमार श्रीवास्तव है एंड मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना के स्टूडेंट हूँ एंड मैं स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड ट्रैवल वीज़ा पे वीडियो बनाता हूँ. और मैं आपको यहाँ पे एक और छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा. इफ़ यू वॉन्ट टू स्टडी इन इटली फॉर नेक्स्ट इनटेक विच इज़ सितंबर एंड अगस्त 2025 इनटेक, देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस. डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी हमारी, ओके. अब मैं आता हूँ कि आपको इटली में क्यों पढ़ना चाहिए. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रीजन दैट वाई यू शुड स्टडी इन इटली इज दैट वर्ल्ड्स टॉप रैंक पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ आर इन इटली. वो मैं आगे बताऊँगा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं. तो दुनिया की टॉप रैंक की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इटली में हैं, जिनकी QS वर्ल्ड रैंकिंग में वो टॉप में आती हैं. जैसे कि बोकोनी यूनिवर्सिटी, SDA बोकोनी की आपको मालूम ही होगा कि वो, अगर मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूँ, वो आपको वन ऑफ द यू नो टॉप मोस्ट टॉप नोच यू नो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ है. और यूनिवर्सिटी है वो पूरे वर्ल्ड की, ना ही यूरोप की, जो कि मिलान SDA बोकोनी वहाँ पे हुआ है. उसके बाद अगर हम बात करें तो वन ऑफ द टॉप 15 स्टडी डेस्टिनेशन ऑफ द वर्ल्ड इटली पिछले साल तक था. अब इटली का आपको रैंकिंग पता है, वो टॉप 5 में आ गई है. दुनिया की टॉप 10 स्टडी डेस्टिनेशन में आ गई है इटली, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट, इटली में आप फ्री में पढ़ सकते हो. फ्री एजुकेशन, जीरो ट्यूशन फी, फ्री अकोमोडेशन, फ्री हॉस्टल, हर चीज़ आपको यहाँ पे फ्री मिलता है. रहना, खाना, पढ़ना सब फ्री. साथ में आपको स्टाइपेंड मिलेगा 5200 से लेके 5800 यूरोस पर ईयर तक की. वो डिपेंड करती है रीजन वाइज रीजन. मैक्सिमम जो आपको अमाउंट मिल सकता है एक साल के लिए फालतू के खर्चों के लिए वो होगा 5800 यूरोस पर ईयर, ओके. और मिनिमम आपको मिलेगा 5200 यूरोस, ठीक है. ये रीजन वाइज रीजन वेरीज करती है. और बेस्ट पार्ट क्या है इटली में, कि आपको इटली के लिए कोई GRE GMAT नहीं चाहिए. वो चाहिए आपको जो टॉप की यूनिवर्सिटी, जैसे आपको ना SDA बोकोनी होगी, वहाँ पे आपको उनकी टेस्ट होती है. अगर आप GRE GMAT किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए चाहिए होता है, बाकी और यूनिवर्सिटीज़ के लिए कोई GRE GMAT नहीं चाहिए. कोई आपको यू नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट उतनी ज़रूरी नहीं है. बिना IELTS के भी पढ़ सकते हो इटली में. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एडमिशन देती हैं, बट पहले मैं आपको बता दूँ टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ नहीं है. वो आपको लो ग्रेड की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो विदाउट IELTS को आपको एडमिशन दे सकती हैं. उसके बाद आपको फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती है एंड विच इज़ सेकेंड बेस्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द WHO. इटालियन मेडिकल फैसिलिटीज़ आर द सेकेंड बेस्ट. तो अगर आप इटली आते हो तो आपको ये सारी चीज़ें कवरेज मिलेंगी. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इन शॉर्ट बताऊँगा. मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम्स ही हैं इन 2 सालों में यू नो मेडिकल रिलेटेड कभी कभी, तो मैं सब यहाँ पे इलाज फ्री में करवाया हूँ, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हर चीज़ फ्री होता है. उसके बाद आफ्टर द स्टडी आपको 18 मंथ की पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगी, ठीक है. अब आपको क्या है ना, बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ पे आते हैं दूसरे देशों से, उनको मिलती है 1 साल की, ठीक है. अब इंडियंस के लिए पिछले साल इन्होंने क्या किया है कि अगर आप 20 साल से ग्रेजुएट हो रहे हो तो 18 मंथ की पोस्ट स्टडी, साथ में आप 1 ईयर की एक्सटेंशन भी आपको इन्होंने प्रोवाइड की है जो आपकी हो जाएगी, ठीक है. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे अगर पढ़ने आते हो तो कोई ब्लॉक अकाउंट का टेंशन नहीं है, कोई ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है. आप वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट होल्डर बन जाओगे अगर यहाँ के आप PR लेने के बाद पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो. बेस्ट पार्ट क्या है कि PR आपको 5 साल में मिल जाती है. और इटली में पढ़ने आते हो तो आपको 27 अदर EU कंट्रीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी. आपको और क्या चाहिए. इसके बाद अगर हम बात करें सो मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन इटली. अब इस टॉपिक पे आते हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सबसे फेमस यूनिवर्सिटीज़ इटली में कौन है. इसमें मैं टॉप की यूनिवर्सिटीज़, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ सारों को मेंशन किया हूँ, जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं. सबसे पहले आती है पॉलिटेक्निको दी मिलानो, जो मिलान में है. यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोगना, सैपियंजा यूनिवर्सिटी ऑफ रोम, देन यूनिवर्सिटी ऑफ पाडोवा, यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन, पॉलिटेक्निको दी तुरिनो, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी, यूनिवर्सिटी ऑफ रोम तरबागाता, यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना, यूनिवर्सिटी ऑफ मार्के, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ पलेर्मो, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्रेंटो. अभी सारी जो यूनिवर्सिटीज़ का मैंने नाम लिया, इसी में मेजॉरली जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ने. राइट नाउ मिलानो,
you know, Politecnico di Milano has opened its portal for the first call for September and August 2025 intake. Very soon, University of Macerata has, you know, going to open its portal for next intake. I think in this month they will open. I will update you. Keep following me on Instagram and my Instagram broadcast channel. You will get updates there. And other unis will also open their first call by the end of this month. So basically, now it's time for you to prepare for Italian study, you know, visa for next year. अभी आपको क्या करना होगा, सिंपल अप्लीकेशन करना होगा. जैसे जैसे यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम्स मिलते हैं. यहाँ पे आपको बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, मेडिसिन के प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है. यहाँ पर अगर मैं टोटल प्रोग्राम्स की बात करूँ, सारे प्रोग्राम्स मिला के, बैचलर्स, मास्टर्स, पीएचडी, मेडिसिन, मोर देन 400 प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हो राइट नाउ. अगर आप, मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इटली के लिए किसी तरह का कंसल्टेंशन लो तो आप फ्री में ले सकते हो. आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पे हमारे लिंक पड़ी है टॉप मेट की, वहाँ से आप बुकिंग बुक करो. बट ध्यान रखो, एक दिन में 7 ही मीटिंग हम कॉन्टेक्ट करते हैं बेसिकली, तो आप यहाँ पर बुक कर सकते हो मीटिंग फ्री में और हमारे से आप 20 मिनट की फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो. अब मैं आता हूँ कि आपको एकेडमिक रिक्वायरमेंट कितनी है. तो इटली में जो मिनिमम एकेडमिक रिक्वायरमेंट है वो है आपको 60%, ओके. एंड ये बैचलर्स मास्टर्स दोनों के लिए है. IELTS आपके 6 होनी चाहिए ओवरऑल, ठीक है. अगर आप बिना IELTS के अप्लाई करते हो तो बी श्योर कि आपके पास बहुत कम, यू नो, आपके दिमाग में ध्यान रखो कि आपके पास बहुत सारे कम यूनिवर्सिटीज़ होंगी और वहाँ से एक्सेप्टेंस मे बी लेट आ सकती है और मे बी आए भी ना. आप अप्लाई कर सकते हो विदाउट IELTS, देयर आर फ्यू यूनिवर्सिटीज़ बट वो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ भी होती है, ये भी ध्यान रखना. अगर अब मैं बात करूँ ड्यूलिंगो आप दे रहे हो तो कितना आपको मार्क्स लाना है अगर आप इटली में पढ़ना चाहते हो ड्यूलिंगो के एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो 100 प्लस चाहिए आपको और PT में आपको 65 प्लस चाहिए. फॉर बैचलर्स, फॉर यू नो एंड फॉर मास्टर्स 60% मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको बता दिया मैं प्रीवियस एकेडमिक में. 60% पे आपको सबसे एवरेज कॉलेज एडमिशन देगी. टॉप की यूनिवर्सिटीज़ है उनके लिए आपको 80 प्लस चाहिए राइट नाउ फॉर नेक्स्ट इनटेक, ओके. उसके बाद आपको मैं बात करूं तो अगर आपकी गैप है तो वो जस्टिफाइड होनी चाहिए. आप उसकी जस्टिफिकेशन प्रॉपर लेटर बनाना जो भी गैप है, ओके. एंड मैं बात करता हूं कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है. रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लगेंगे, तो पहले तो आपको अपना स्कैन पासपोर्ट साथ रखना है, मार्कशीट रखनी है क्लास 10th 12th की अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो बैचलर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए. अगर आपकी अभी डिग्री ख़त्म नहीं हुई तो आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. और जब आपकी डिग्री आए, मार्कशीट आए, आप यूनिवर्सिटी को अपडेट कर सकते हो. आपके पास 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए. आपको मैंने बता दिया IELTS लैंग्वेज सर्टिफिकेट और इधर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए. और आपको जब अप्लीकेशन करोगे ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्रिएट करना है, वो भी आपको अपलोड करना है एट द टाइम ऑफ अप्लीकेशन. आपकी CV यूरोपा CV में होनी चाहिए. और आपको, ठीक है, अगर आपकी गैप है तो गैप की सर्टिफिकेट आपको वो भी अपलोड करनी है. आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको अपने साथ रखना है. उसके बाद आपको अपनी स्काइप ID बना के भी रखनी है, कभी कभी आपको अपलोड करनी होती है जब एप्लीकेशन करोगे, मे बी आपके इंटरव्यूज पे यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, ठीक है. और आपके कोर्स का स्ट्रक्चर आपके साथ होना चाहिए. जैसे कि आप अगर मास्टर्स के लिए बेसिकली मांगते हैं तो आपकी बैचलर डिग्री की कोर्स करिकुलम आपकी PDF में होनी चाहिए, 3 ईयर की, 4 ईयर की, जितनी साल की आपकी बैचलर डिग्री है, ठीक है. अब मैं आता हूँ स्कॉलरशिप्स पे. अब बहुत लोगों का ये दिमाग में होगा कि आखिर स्कॉलरशिप किन तरहों का मिलता है और क्या सीन है. तो देखो, स्कॉलरशिप यहाँ पे 2 तरह का मिलता है, रीजनल और मेरिट बेस. मेरिट बेस बेसिकली आपको ना उन स्टूडेंट्स को मिलता है जिनके एकेडमिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो 80% से ऊपर वाले, समझ लो 75% से ऊपर वाले हैं, ठीक है. इस साल से मैं बता रहा हूँ ये क्राइटेरिया इंक्रीज होगी, जो अगले साल जो आएंगे स्टूडेंट्स उनके लिए बता रहा हूँ, उनको ध्यान में रखते हुए उनके एकेडमिक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और IELTS की उनके पास प्रूफ होनी चाहिए, एटलीस्ट B2 लेवल, 6 किसी से कम नहीं होना चाहिए, 6 बैंड स्कोर, ठीक है. बट घबराने की बात नहीं है, अगर आप इन क्राइटेरिया को मैच नहीं करते हो, अगर आप एक स्कॉलरशिप भी मेरिट बेस नहीं चाहते हो तो आप रीजनल ले सकते हो. इटली में रीजनल स्कॉलरशिप मिलता है. 80-85% स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन इटली राइट नाउ दे आर हैविंग ओनली रीजनल स्कॉलरशिप, विच इज़ प्रीटी गुड. आई एम पर्सनली यूजिंग द रीजनल स्कॉलरशिप, मुझे भी रीजनली मिलती है. एंड 6-7 रीजनल अथॉरिटीज़ हैं इटली में, ठीक है, जो आपको रीजनल स्कॉलरशिप देती हैं. हर रीजन की डिफरेंट स्कॉलरशिप बॉडी है. जैसे आप अगर मेसिना आते हो, यहाँ की एरसू है, पलर में आते हो एरसू है, अगर आप यू नो लाइक नेपल्स आते हो, वहाँ की ADISURC है, ठीक है.
हर रीजन की अलग अलग स्कॉलरशिप बॉडी है, उस पर भी मैं सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा हर रीजन पे, जो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे बात पे पाओगे, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि आपको अगर बैचलर के लिए अप्लाई करते हो तो कितना आपको अमाउंट दिखाना है वीज़ा के टाइम पे। तो ध्यान रखना है आपका आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट जो दिखानी होती है वीज़ा के टाइम पे, उसमें जो आपका फ़ंड होना चाहिए वो 1 मंथ पुराना होना चाहिए। यानी कि बैचलर्स के लिए आप 15 लाख रुपया दिखाओगे आपके स्पॉन्सर के अकाउंट में, तो वो फ़ंड 1 मंथ पुराना होना चाहिए जब आप वीज़ा डालने जा रहे हो। अगले मंथ वीज़ा की अप्लीकेशन है तो आज डाल लो फंड, आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, और 1 मंथ तक बरकरार रखो, फिर 1 मंथ के बाद 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट निकालो और फिर वीज़ा अप्लाई करो। मास्टर्स के लिए सेम करना होता है, आपको फ़ंड दिखानी होती है 10 लाख मिनिमम, ओके। उसके बाद अगर आपकी एक्सेप्टेंस आ जाती है उसके बाद आप क्या करोगे। सो लुक, आफ्टर एक्सेप्टेंस यू हैव टू डू प्री इनरोलमेंट विच यू नो ओपन इन द मंथ ऑफ मार्च। मार्च में आपकी प्री इनरोलमेंट की विंडो खुलती है, देन आपको अपने डॉक्यूमेंट को अटेस्टेशन करवाना होता है, अपोस्टाइल करवाना होता है, HRD में अटेस्टेशन होती है और MEE के द्वारा अपोस्टाइल होती है। एंड देन अगर आपकी यूनिवर्सिटी को DOB रिक्वायर्ड है, DOB पे भी सेपरेट वीडियो पड़ी है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेक कर लो। और मैं फिर कुछ दिनों में एक और नई वीडियो डाल दूंगा, अगर आपकी तमन्ना है, आप चाह रहे हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके बताना, तो DOB के लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। DOB आपको करवानी होती है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी छीमिया मांगी है तो आपको छीमिया अप्लाई करनी होती है, ठीक है। जब ये सारा काम आप रेडी कर लेते हो तब आपको वीज़ा की फाइलिंग करनी होती है। अब वीज़ा के टाइम पे आपको ना जो वीज़ा की डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगी, उसकी भी मैंने सेपरेट वीडियो बना के रखी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वह चेक कर सकते हो। और जैसे नेक्स्ट ईयर की चेकलिस्ट अपडेट होगी बाई फरवरी और मार्च, देन मैं उस पर भी नई वीडियो बना दूंगा कि आपको वीज़ा के टाइम पे ये चीज़ अपडेट हुई है, आपको लेके जाना है। वो बात की बात है, मेन अभी बात है हमारा अप्लीकेशन करना। और ये वीडियो इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ ने अपना पोर्टल चालू कर दिया है ओपन, तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम आपको हेल्प करें इटली स्टडी 2025 इनटेक के लिए, आपकी अप्लीकेशन से लेके आपके स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन, आपकी वीज़ा तक, इवन आफ्टर वीज़ा अराइवल, हर चीज़ों में, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारी नंबर है, वहाँ आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करो। अगर आपको हमारी कंसल्टेशन चाहिए तो फ्री में बुक करो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी टॉप मेट की। एंड यही थी आज की वीडियो में, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड सी यू गाइस।